नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, कुछ देशों की आज पूरी दुनिया में इस कदर से बदनामी हो गई है और वो आज जाने पहचाने ही इसी नाम से जाते हैं कि उनकी कोई ना कोई देश आज उनके मुंह पर ही बेइज्जती करके पीछे हट जाता है। और ऐसा ही नहीं है कि दुनिया के बाहर और उस देश के बाहर उसकी बेइज्जती होती हो, उसके ही देश में उसके ही बड़े ऑफिशियल उसकी बेइज्जती कर देते हैं। फिलहाल यही मामला देखने को मिला है रशिया और कनाडा के मामले में। कनाडा तो नाम आज पूरी दुनिया में इस कदर से बदनाम हुआ है भारत के इंसिडेंट के बाद कि कनाडा की बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है। और इस बार रशिया ने कनाडा को जमकर दुत्कारा है और एक कुत्ते के बराबर कनाडा की बेइज्जती करके उसके मुंह पर रख दी है। सबसे पहले तो जानिए आखिरकार इंसिडेंट कैसे शुरू हुआ। दरअसल दोस्तों, रशिया में इन दिनों प्रोटेस्ट चल रहे हैं नवलनी के डिटेनमेंट के बाद। नवलनी एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर हैं और फिलहाल 5-6 महीनों पहले उन्हें एक जहर दे दिया गया था रशिया में और वो इलाज के बाद जर्मनी गए थे और जर्मनी से वो अब वापस लौटे हैं, तो उन्हें डिटेन किया गया है जिस कारण से रशिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन रशिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो ये उनका आंतरिक मामला है, भारत ने इसके ऊपर टिप्पणी नहीं की है। लेकिन यहां पर आप अमेरिकी एम्बेसी का ये जो आप आर्टिकल देख रहे हैं, ये उन्होंने पूरी डिटेल छाप दी है और अमेरिका ने यहां पर रशिया को दुत्कारा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इस मामले में रशिया ने ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है। लेकिन ये सभी बातें हो रही हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर रशिया ने यहां पर एक सफाई भी दी है अपने ट्विटर अकाउंट पर। और खास बात यहां पर ये है कि जिस तरीके के आर्टिकल यहां पर छापे जा रहे हैं, प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है रशिया के खिलाफ, उसी के चलते यहां पर रशिया ने उनको दुत्कारा है अमेरिका को। लेकिन अमेरिका और रशिया में यह नोकझोंक तो आम है। यह ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है रशिया इन कनाडा का और यहां पर कनाडा को जमकर लताड़ा है आज रशिया के ऑफिशियल एम्बेसडर के ट्विटर अकाउंट ने। उन्होंने कहा है कि वी कंडेम अनदर अटेम्प्ट ऑफ मेडलिंग इनटू रशियन डोमेस्टिक अफेयर आफ्टर ऑर्गेनाइज्ड विद वेस्टर्न मनी प्रोवोकेशन अबाउट अ ब्लॉगर पपेट। व्हाट अबाउट मंथ्स ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट इन अमेरिका एंड व्हाट अबाउट टू डेज पुलिस एक्शन अगेंस्ट पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन टोरंटो, एनी कंसर्न? तो दोस्तों, यहां पर उन्होंने कहा है कि कनाडा में जिस तरीके से पुलिस ने यहां पर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के खिलाफ जो उन्होंने एक्ट किया है टोरंटो में, उसके खिलाफ यहां पर कनाडा को कोई भी जान पहचान नहीं है। और महीना पहले ही जो अमेरिका में इनॉग्रेशन से पहले एक इंसिडेंट हुए थे वायलेंट, वहां पर आखिरकार अमेरिका की कहां आंखें बंद हो गई थी। लेकिन रशिया में यहां पर प्रोटेस्ट हुए हैं तो यहां पर दुम दुमाकर अमेरिका और उनके पपेट यानी कि कनाडा कूद पड़े हैं रशिया के मामले में। दोस्तों, आज कनाडा की छवि भारत में इस कदर हो गई है कि जब इनके प्रधानमंत्री आते हैं भारत के दौरे पर तो इन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जाती है और इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री तो कनाडा जाने से ही गुरेज करते हैं। दोस्तों, रशिया इन कनाडा ने कनाडा के प्रधानमंत्री को आज एक बार फिर से थपाड़ा मारा है और उन्हें आज अपने देश की पुलिस की ख्याल नहीं है कि आखिरकार वो किस तरीके से अपने लोगों को ट्रीट करते हैं। लेकिन भारत के किसानों का मामला हो या फिर रशिया के प्रोटेस्ट का मामला हो, यहां पर उनकी टिप्पणी शोभा नहीं देती है जब उनके ही देश में बहुत बुरे तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता है। खैर, ये कनाडा जैसे देश अगर चुप ही रहे तो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इन्होंने मुंह खोला है तब तब रशिया से लेकर भारत तक इन्हें मुंह की खानी ही पड़ी है। क्या कहना चाहेंगे कनाडा के बारे में, कॉमेंट सेक्शन में राय खुलकर दे सकते हैं।